बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अपराध नियंत्रण विफल साबित हो रही है। फिर एक बार चोरों ने तकनीकी का इस्तेमाल कर भाजपा नेता सहित एक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में जीने को विवश। चोरों ने जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया है सभी अचंभित है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माला गांव का है। चोरों ने पूर्वी तेलपा पंचायत के माला गांव निवासी भाजपा नेता निशांत राज एवं माला क्षेत्र निवासी भीम कुमार दो घरों को निशाना बनाया है। जब पहली घटना निशांत राज के घर में देर रात छत के रास्ते और दाखिल हुए व सोए अवस्था में घर वालों के चेहरे पर बेहोशी का केमिकल स्प्रे कर घर के अंदर 3 कमरों में अलमीरा व पक्षी का ताला तोड़ नकदी 3 लाख समेत सोने और चांदी के कुल 103 थाल आभूषण चोरी कर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी परिवार के लोगों को सुबह हुई है। जब गृह स्वामी निशांत राज जगे तो पाया कि बाहर से कमरे झिटकेरी लगा हुआ है और तब मां को आवाज लगाई। बाहर निकलकर देखा तो पाया कि 3 कमरों के दरवाजे खुले और फर्श पर सामान छिन्न भिन्न और अलमेरा के कीमती आभूषण और नकद गायब है। गृह स्वामी के ने बताया कि जब वो सुबह उठे तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सिर में हल्का चक्कर जैसा महसूस हो रहा था और ऐसी ही हालत मां की भी थी। वह हवास घर के बाहर निकलना चाहा तो देखा कि मेन गेट के दरवाजे भी खुले पड़े हैं और बाहर अलमेरा के दरवाजे जमीन पर पड़े हुए हैं और जिसमें रखे सभी आभूषण गायब और खाली डिब्बे छोड़ दिए गए हैं। गृह स्वामी ने बताया कि घटना में अंजाम देने से पूर्व चोरों ने बेहोशी में किसी केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया। घटना बाबू हम लोग खाना वाना खा के सो गए 11 बजे सो गए। उसके बाद बाबू को राजा को भी हमारे लड़का को वैसे छीट दिया स्प्रे मार दिया मुंह पर और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। हमारे रूम में भी आया हमको स्प्रे मार दिया। बेहोश से हमारा आँख खुल नहीं रहा था, कान में आवाज जा रहा है लेकिन आँख नहीं खुल रहा है और सब तोड़ ताड़ के गहना पैसा सब लेके चला गया। कुछ नहीं छोड़ा बेटा, कुछ नहीं, टोटल सामान लेके चला गया। मुंह बांध करके आया था तो हम चिल्लाते बोलते बस कपड़े स्प्रे मार दिया मुंह पर मेरे हम दोनों सके गिर गए। उसको बोले खुला बेटा दरवाजा पीट रहा था पसों के लटपटा के गए खोले फिर हम गिर गए। दरवाजा खोले तो सब खत्म था गोदरेज का सब नोचना छावना नोचना सब बर्बाद कर दिया। सारा गहना कैश रुपया था बेटा, कैश भी रुपया LIC का भी जमा मिला था हमारा वो भी सब पैसा लूट ले गया। क्या नाम है आपका? पुतुल देवी। दोनों आदमी हम लोग एक रूम में अंदर से कबाड़ी बंद करके हम लोग सोए थे। चोर आया दोनों उस बगल में हम लोग का 2 रूम है आउरी दोनों रूम में घुस के अलमारी तोड़ के उसमें से गहना चोरा के लेके चला गया जिसमें 8 थान सोना था 4 थान चांदी का गहना था चोरा के लेके चला गया। सुबह मेरी पत्नी उठी जब झाड़ू लगाने देख रही है कि गेट खुला था और उसके बाद पैसा भी था एगो अलमारी में 35,000 एगो में 55,000 रुपया था। सुबह में जब उठी झाड़ू लगाने के लिए तो देखी कि गेट खुला है तब हमको जगाई तो हमको पता लगा तब हाला हुआ कि चोर आया था चोरी करके चला गया। मैं यहाँ पे अल्लाह मिला हमको थोड़ा सा तो आए यहाँ पे तो देखे चाची बिल्कुल गंभीर हालत में थी एकदम चक्कर से गिर रही थी। तो हमको उठाए पूछे कि चाची क्या हुआ तो बताई कैसे शुरुआत हुआ। फिर भाभी की बहन आई वो भी ऐसे से हिल रही थी तो उनको से भी पूछे तो बोली कैसे से। फिर घर में घुसे हम अंदर कुछ ज़्यादा स्मेल आया उसके बाद फिर बाहर निकले तो देखे कि दरवाजा टूटा हुआ है गोदरेज सब टूटा हुआ है ऊपर भी गए वहाँ भी टूटा हुआ था। तो हम लोग बगल बगल घर से बाहर भी निकले कुछ कुछ सामान जेवर वगैरह का सब बैग मिला बाहर किधर चिल्लाने लगे किधर फेंका हुआ था सब घर से बाहर घर था उधर था खेत में। उसके बाद हम गांव वाले सब चिल्लाने लगे सब लोग सुबह में आया तो सपना लगे हुए इसमें तो थाना वालों को फोन किए पुलिस आई थी वो सब अपना फोटो वोटो खींच के फिर डाला बस अभी तक कुछ रिपोर्ट अभी तक नहीं आया हम लोग लगे हुए। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार मिश्रा।